तो दोस्तों शाओमी के सीईओ ने ये कंफर्म कर दिया कि 2020 के पहले इंडिया में 5G फोन लॉन्च करेगा। हाँ जी हाँ, 5G फोन इंडिया में लॉन्च करेगा और इस फोन में 5G नेटवर्क के साथ 5000mAh का बैटरी, उसके साथ ही बैक में क्वाड रियर कैमरा और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर भी मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं रेडमी नोट 9 के बारे में, क्या कुछ मिलने वाला है आपको इस फोन में और कब तक कितने प्राइस में ये फोन इंडियन मार्केट में भी लॉन्च होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन से। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है ग्लास बैक जो कि ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिशिंग के साथ आएगा और इसके साथ ही यहाँ पे आपको क्वाड्रियर कैमरा भी मिल जाता है। और अगर बात करें इसके फ्रंट साइड के बारे में तो यहाँ पे आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस पंचोल वाला डिस्प्ले मिलेगा जो कि एक सुपर एमोलेड पैनल होगा और इसके साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है। और इसके साथ ही अगर बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर भी मिल जाता है और इसके साथ ही यहाँ पे आपको मिलने वाला है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10। और उसके साथ ही अगर बात करें इसके रैम वेरिएंट के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 2 RAM वेरिएंट 664 6 128 GB। और अगर बात करें इसके कैमराज के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्वाड रियर कैमरा जिसका मेन सेंसर होने वाला है 108 मेगापिक्सल, 120 डिग्री का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 13 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस भी मिलने वाला है। और उसके साथ ही अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरे के बारे में तो यहाँ पे आपको सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है। तो दोस्तों देखा जाए तो इसके कैमराज का परफॉर्मेंस बेहतरीन मिलने वाला है। और अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 5000mAh का बैटरी जो कि 30W के फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाला है और इसका फास्ट चार्जर इसके बॉक्स के अंदर ही देखने के लिए मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट 3.5mm एडी हो जाए और NFC का भी सपोर्ट मिलने वाला है। और दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में तो इंडिया में इसका स्टार्टिंग प्राइस 664GB वाला वेरियंट आपको लगभग मिल सकता है 15 से 16 हज़ार के बीच में। तो यहाँ पे आपको 15,000 के प्राइसिंग में मिल जाता है 5G का सपोर्ट, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर, 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 5000mAh का बैटरी, 30W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है। तो दोस्तों देखा जाए तो इसके कैमराज का परफॉर्मेंस अल्टीमेट मिल जाता है। तो अगर आपको एक अच्छा प्रोसेसर और अच्छा कैमरा का फ़ोन चाहिए हो तो शायद ये फ़ोन आपके लिए बेहतरीन चॉइस होने वाला है। और इसके साथ अगर बात करें इसके लॉन्च डेट के बारे में तो ये फ़ोन दिसंबर महीने में लॉन्च होगा। तो दोस्तों यही था रेडमी नोट 9 के बारे में कुछ कन्फर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।